देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वजह से इलेक्शन लड़ा है और जो उनका बयानिया था उसी की वजह से आज वो जीत गए हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले ये कहा था कि जब मैं सदर बन जाऊंगा तो सबसे पहले जो नॉन इमिग्रेंट है, जो गैर कानूनी तरीके से जो लोग अमेरिका के अंदर दाखिल होंगे, उन पर मैंने पाबंदी लगा देनी है, मैंने बॉर्डर जो है ये सील करने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको सपोर्ट करना है, उनको माली लिहाज से सपोर्ट करना है, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बनानी है। तो वो तभी मुमकिन है जब गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे जो लोग आए हैं वो यहाँ पे ना आ सके। उनका ये कहना था कि लीगल तरीके से लोग यहाँ पे आए, अपना बिजनेस करे, वो एजुकेशन के लिए आ सकते हैं, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे तो आज के बाद उन लोगों के लिए अमेरिका में जगह नहीं है, और जो गैर कानूनी लोग हैं उनका भी जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। तो खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया क्योंकि वो बाइडेन इंतजामिया से काफी नाराज थे, और उनकी बुनियादी वजह ये थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सदर थे तो बिजनेस जो है वो ऊपर जा रहा था और बिजनेस कम्युनिटी के लोग काफी हद तक खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 3-4 सालों से बिजनेस जो है वो काफी बिल्कुल एक जगह पे स्टक होके रह गया है, और उस तरफ बाइडन इंतजामिया ने भी कोई खातिर ख्वा कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से काफी लोग बाइडन इंतजामिया से नाराज थे, और उनका यह कहना था कि इस बार जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे, और आज उन्होंने वो किया भी।